नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है वो मेरे पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है दोस्तों। हर्ब्स के फायदे बता रहे हैं हम आज आप सभी को दोस्तों, वो भी कुछ एक आयुर्वेदिक दोहों के जरिए। हमारे किचन में कई ऐसे हर्ब्स मौजूद होते हैं दोस्तों, जिनकी मदद से हम कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। इन आसान नुस्खों को लोगों ने दोहों के माध्यम से बताया है। इन दोहों में बीमारियों से बचने और हेल्दी रहने के उपाय बताए गए हैं। तो आइए आज हम कुछ एक ऐसे ही पुराने नुस्खों को दोहों के जरिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले नीम की पत्तियाँ। नीम पत्र को पीसिए, गाढ़ा लेप बनाए, चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जाए। जी हाँ दोस्तों, पुनः सुनते हैं एक बार। नीम पत्र को पीसिए, गाढ़ा लेप लगाए, चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जाए। नीम के पत्तों को पीसकर और गाढ़ा लेप लगाने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपके त्वचा संबंधी कोई भी रोग है तो नीम की पत्तियों को पीस करके गाढ़ा लेप लगाइए, आपकी स्किन हेल्दी और खिली खिली हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद हरड़ बहेड़ा आंवला। जी हाँ, हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर में खाएं, हाथी दाबे कांख में 60 कोस ले जाएं। जी हाँ दोस्तों, पुनः सुनते हैं। हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर में खाएं, हाथी दाबे कांख में 60 कोस ले जाएं। इस दोहे का मतलब है कि हरड़ बहेड़ा आंवले को अगर आप घी और शक्कर में मिलाकर खाते हैं तो शरीर आपका बहुत बलशाली हो जाता है दोस्तों, आप मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों मिश्री कत्था का। मिश्री कत्था तनिक सा चूसे मुंह में डाल, मुंह में छाले हो अगर दूर होए तत्काल। इस दोहे का अर्थ है कि मुंह में छाले को तुरंत दूर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मुंह में छाला हुआ है तो उसे आप तुरंत अगर दूर करना चाहते हैं तो घर में मौजूद थोड़ी सी मिश्री को कत्थे के साथ मुंह में लेकर के और चूस लीजिए, आपका छाला ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सुबह पानी पीना। जी हाँ दोस्तों, प्रातकाल खाट से उठ के तुरंत पिए जो पानी, वाघर वैद कबहू न जावे, बात खुश रोने जानी। दोस्तों इस आयुर्वेदिक दोहे के अनुसार सुबह उठने के साथ ही पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है पुदीने और इलायची का। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाएं उसे उबालकर उल्टी से आराम। जी हाँ दोस्तों, पुनः सुनते हैं। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाएं उसे उबालकर उल्टी से आराम। अगर आप उल्टी की समस्या से परेशान हैं तो 2-2 ग्राम पुदीना और इलायची लेकर उसे पानी में उबालकर ठंडा करके पी लीजिए, उल्टी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद लौकी का रस और तुलसी की बारी आती है दोस्तों। लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। जी हाँ दोस्तों, हृदय की समस्या में लौकी का रस, चोकर युक्त आटा, तुलसी गुड़ और सेंधा नमक फायदा करता है दोस्तों। आलू का रस और हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आलू का रस और शहद हल्दी पीस लगाओ, अल्प समय में ठीक हो, जलन फफोले घाव। घाव होने पर आलू के रस में शहद और हल्दी मिलाकर बने पेस्ट को जलने से हुए घाव पर लगाने से यह जल्दी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है जामुन की गुठली का। जी हाँ दोस्तों, प्रात संध्या पीजिए, खाली पेट स्नेह, जामुन गुठली पीसिए, नहीं रहे मधुमेह। डायबिटीज़ की समस्या में जामुन की गुठली सुखाकर और पीसकर सुबह शाम पीने से डायबिटीज़ में लाभ होता है दोस्तों। इसके बाद नंबर है मुलेठी का। जी हाँ, रोज़ मुलेठी चूसिए,
कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। कफ की समस्या होने पर मुलेठी चूसने से आराम मिलता है दोस्तों। इससे कफ की समस्या दूर होने के साथ आवाज़ भी सुरीली होती है। प्याज और मिश्री, 2 चम्मच रस प्याज की मिश्री संग पी जाए, पथरी केवल 20 दिन में गल बाहर जाए। जी हाँ दोस्तों, पथरी की समस्या में प्याज का रस और मिश्री बहुत फायदेमंद होती है। प्याज के रस की 2 चम्मच में मिश्री मिलाकर पीने से 20 दिन में ही पथरी गलकर निकल जाती है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम कुछ दादी नानी के टाइम के यानी कि पुराने ज़माने के यानी कि जो हमारे वैद्य लोग लिख गए हैं हमारी औषधियों के बारे में कुछ पंक्तियाँ, उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर के उपस्थित हुए थे आप सभी के लिए दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे ऐसी ही कुछ एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।